अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे आज मैं आपको बार्सिलोना में सारा बीच वाला एरिया दिखाता हूँ, जो बहुत ही प्यारा है। बीच वाला एरिया वैसे भी प्यारा होता है, आपको पता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ, और साथ ही इसके आगे समुंदर शुरू हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको मैं समुंदर का, जहाँ यॉट्स खड़ी हैं बड़ी बड़ी। ये जो भी एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा यॉट्स वाला एरिया है। आप यहाँ से बना सकते हैं, एक ये खड़ी है यॉट बड़ी, और बाकी तो ये हैं, ये आपको मिल जाती हैं किराए पर। वो सबसे बड़ी ये खड़ी होगी, आपको नज़र आ रही है वो सामने फ्रंट, यहाँ पर आके यॉट्स खड़ी होती हैं सारी। ये बिटवीन है दो इलाकों के दरमियान ना, दो एरिए बने हैं, इनके अंदर खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ से किराए पर मिलती हैं। ये काफ़ी प्यारी शिप्स ब्रेवेडो कंपनी की ये खड़ी है, तो वो मेन इसके सामने केबल कार है, वो यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर पहाड़ी तक, वो उस पहाड़ी तक अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, वो उस पहाड़ी तक जाती है दूर तक। ये केबल कार है, ये आपको एक झूला देती है, उसके साथ ये म्यूज़ियम है, हिस्ट्री म्यूज़ियम है, ये यहाँ समुंदर के किनारे बिल्कुल बना हुआ है, और इसके साथ नीचे सारी बार्स बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट है, और इससे आगे जो इलाका जाता है वहाँ सारे होटल्स बने हुए हैं और बार्स, डिस्को। यहाँ डिस्को का काम जो है ना वो शाम को होता है, और यहाँ इस साइड पे ये सारा एरिया बना हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए हैं जो भी टूरिस्ट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी झलक दिखा देता हूँ। ये पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं जिन्होंने लेनी होती हैं, जो विज़िटर्स होते हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। ये बीच वाला एरिया यहाँ, और यहाँ ये बड़ी प्यारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये सारी ना जो भी विज़िटर्स के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो ले लेते हैं अपने, और यादगार एक पिक्चर वगैरह हो गई, अंगूठियाँ लड़कियों के लिए, ये चीज़ें। ये एक दूरबीन लगी हुई है, इसमें कॉइन डालते हैं, इस एरिए पर कॉइन डालते हैं, और यह इससे आप देख सकते हैं दूर का मंजर सारा नज़र आता है यहाँ। तो मेरा दिल आपको लेकर चलता हूँ बीच के किनारे, वहाँ वहाँ जाके आपको व्यू दिखाता हूँ, प्यारा सा मज़ेगा। ये सारा एरिया जो मैं दिखा रहा था आपको, होटल्स हैं उसके साथ, ये रोड जाता है सीधा उसी तरफ, तो ये सारे यॉट्स खड़ी हैं, बड़ा प्यारा सीन है यहाँ। ये देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी लग्जरियस और प्यारी यॉट्स खड़ी हैं। दिल तो कर रहा है मेरा लेने का, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बनाऊंगा मैं रेसिंग बोट से लेके, वो मैंने लेनी है, उस पर लाजमी मैंने एक दफ़ा ना अपना एक्सपीरियंस करने का, कितना मज़ा आता है, वो सुना है बहुत मज़ा आता है, तो देखेंगे इंशाल्लाह उसका एक मैं पूरा कम्प्लीट व्लॉग बनाऊँगा आपके लिए, तो आप देखिएगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। आए मैं आपको थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ, यहाँ मुझे नज़र आया डिस्को वाला सीन, सरेआम रोड पर ये लोग लग जाते हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कैसे नाच रहे हैं, इनका पैशन है एक नाचना। ये सामने उसने स्पीकर लगा लिया है बोर्ड पे, और यहाँ लगे हैं नाचने ही, और माई बाबे देखो बुढ़ी उम्र होगी पर अभी तक सुकून नहीं मिला जान में। ये सारी वहाँ बीच वाली है, कुछ नहा के आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे एरिया जो है ना वो बीच वाला ही है, इसके साथ समुंदर है बिल्कुल। यहाँ थोड़े दिनों बाद यहाँ शुरू होने वाला है अमेरिकन कप, या बोट्स की जो रेसिंग होती है ना वो शुरू होने वाला है, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग बनाऊँगा पूरा कम्प्लीट, हर एक चीज़ का व्लॉग आएगा, इसकी टेंशन ना लें आप। तो व्लॉग बनाना मेरा काम है, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना आपका काम है। तो 12 दिन रह गए उसमें, वो जो कप स्टार्ट होना है अमेरिकन कप, तो इंशाल्लाह उसका भी टाइम दिखाता हूँ आपको। उन्होंने बोर्ड पे वहाँ लगाया हुआ मुसलसल काउंटडाउन चल रहा है वहाँ उसी एरिए पर। कल शाम को मैं आया था,
तो शाम को पता है वीडियो खास इतनी नहीं बन सकती, इसलिए मैं दोपहर को आया। मैंने कहा वीडियो एक लाजमी बनानी है, यहाँ एरिया बहुत अच्छा है। तो जी आखिरकार मैं उस एरिया पर पहुँच गया हूँ। अब इस इधर व्लॉग हमारा बनेगा कंप्लीट। वो सामने बिल्डिंग है W, बार्सिलोना की फेमस जो बिल्डिंग है, इसके साथ इसके अराउंड में सारा है समुंदर। यहाँ इधर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो स्क्रीन लगी हुई है पास जो अमेरिकन कप वाली जो दिखा रहे हैं, जो काउंटडाउन है वो। इस साइड पे सारे बार्स हैं, डिस्कोज हैं जो नीचे ज़मीन पर बने हुए हैं। बीच पर आप रश देखेंगे कितना ज़्यादा बंद होगा। करीब चलते हैं, जाके देखते हैं। लो जी आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। ये सारी वाम देखें बैठी हुई है, वो दूर दूर तक उस बिल्डिंग के किनारे तक सारी, कितने ज़्यादा बंदे होंगे। पानी भी इन्होंने पता नहीं किस तरह का गंदा ही कर दिया होगा शायद। इतना बंदा रोज़ नहाता है, जाहिर सी बात है जमा पीछे नहाने, उसका पानी जो था वो थोड़ा गंदा था बीच, क्योंकि रोज़ाना इतनी आवाम नहाती है, इतने ज़्यादा बंदे यहाँ आते हैं, तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा ना। और पानी भी बहुत नमकीन, समुद्र का पानी भी खारा होता है, नमकीन होता है। ये केबल कार का जो है ना स्टेशन है, यहाँ से शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। जहाँ जिसने यहाँ आना होता है ये राइड देता है। ये लगा हुआ काउंटडाउन कितना टाइम रह गया, चलें देखते हैं इसके करीब जाके। 11 दिन 17 घंटे 45 मिनट और 50 सेकंड। ये हम जो सुबह के आए हुए हैं नहा के वो तो निकल रहे हैं। थोड़ा और जाके करीब आपको मैं जाके दिखाता हूँ। उस साइड पे भी बहुत ज़्यादा रश, उस साइड पे चलते हैं, वो उधर जाके आपको मैं करीब जाके दिखाता हूँ इसका व्यू। यहाँ इन्होंने डेकोरेशन पीस लगाया हुआ यहाँ बीच पर, यहाँ नेट भी लगा कर दिया हुआ है, जिन्होंने खेलना एंजॉय करना है बीच पर वो करें। ये सारे होटल्स हैं यहाँ, ये रहाइश भी है, यहाँ बंदे रहते भी हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ इस एरिया पर। ये यहाँ पर उन्होंने ऊपर चलने के लिए पाथ बनाया हुआ है सारा, उन्होंने बीच के लिए जाना वो नीचे चलने हैं, और ये ऊपर जिन्होंने घूमना है उनके लिए ये वाला, ये पाथ बनाया हुआ सारा टोटल। मतलब जिन्होंने नहाना नहीं, एंजॉय करना, बस देखने के लिए आए हैं वो, और वो टूरिस्ट बस यहाँ भी आती है। तकरीबन आपको पिछली वीडियो में बताया था सगरादा फैमिलिया वाली में, वो आप जाकर देखें वीडियो। ये बस पूरा चक्कर लगाती है यहाँ पूरे राउंड बार्सिलोना का, और आपको विज़िट करवाती है। बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ, ख़ास तौर पर जो घूमने विजिटर्स आते हैं उनके लिए बड़ा प्यारी जगह है। यहाँ पर उन्होंने नहाने के लिए भी जगह दी हुई है, जिन्होंने नहाना है ना बीच के ऊपर, ये सारा एरिया, ये तो ऊपर वाला पाथ हो गया ना, उन्होंने नहाने के लिए ये एरिया, ये जगह दी हुई है। लो जी चलते चलते हम आ गए हैं करीब इसके फिश के। फिश इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो साइकिल्स लगी हुई हैं ना, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो साइकिल्स हैं ये आप ले सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। मतलब आप एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो यहाँ इनकी एक फ्री ऐप बनी हुई है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये इनके लिए पाथ उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है, और ये सारे होटल्स हैं, लग्जरियस होटल्स हैं सारे। और जैसे मैं बता रहा था, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी ऐप है समाओ आई थिंक ऐप है इनकी, जिसका नाम है, आप वहाँ जाकर साइन इन करें, वहाँ से पेमेंट भी कार्ड के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो आपने तो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बंदे को चलना नहीं पड़ता। और पब्लिक वाशरूम्स भी बनाए हैं, ये इन्होंने पब्लिक वाशरूम बनाया हुआ है।
इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इन्होंने, ये नहीं कि कुछ भी नहीं। अगर इन्होंने इस तरह के एरिया जगह बनाया हुआ है बीच वगैरह, और वहाँ की सारी यहाँ सहूलतें भी मौजूद हैं, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वाशरूम के अलावा ट्रांसपोर्ट वाला बस भी रोड के साथ जाती है, आपने जहाँ जाना हो, क्योंकि बीच बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा एरिया पर बनी हुई है। और तो इसके साथ साथ उन्होंने फैसिलिटीज़ भी सारी दी हुई हैं आपको। यहाँ एक और मज़े की पास, यहाँ जो क्लब्स हैं ना वो सारे अंडरग्राउंड बने हुए हैं, ये सारा एरिया क्लब, ये देख रहे हैं आप, ये एक वो हो गया सखो, और एक ये हो गया वो सामने बना हुआ कैपरी शिम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये सारे जो है ना क्लब्स का भी है, इसके ऊपर ही इन्होंने बनाया हुआ। ये होटल है जिसके ऊपर बनी हुई है, आई थिंक ये ना कोई पैलेस टाइप बना हुआ है, क्लब टाइप, जिसके ऊपर इन्होंने बनाई हुई है। ये फिश बड़ी प्यारी, ये फिश है, इसके साथ ये दोनों भी होटल्स हैं, इसके साथ ये सारे डिस्को क्लब्स हैं। ये जो है ना यहाँ स्पेन, जैसा कि आपको पता है पहले ही कि स्पेन अपनी जो है वो नाइट लाइफ की वजह से ही फेमस है, इसी वजह से ही मशहूर है, तो बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ नाइट क्लब्स में आते हैं, बार्स में, बहुत ज़्यादा अच्छा शाम को सही रौनक मेला लगा होता है यहाँ क्लब्स पे ना। जितने भी विजिटर्स हैं सारे वो एक दफ़ा यहाँ विज़िट लाजमी करते हैं, या क्लब्स पर जाते हैं। ये इसकी बैक साइड है फिश की, ये अभी मैं बैक साइड से आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, और वो सामने इसके नीचे कैसीनो बार है। आपको मैं यहाँ एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ कि यहाँ जो है ना कैसीनोज़ बहुत ज़्यादा है स्पेन में, बहुत ही ज़्यादा कैसीनोज़ हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा जुआ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, अपने सही इंजॉय करते हैं, कैसीनो बार्स में जाते हैं, डिस्कोज में, ये वगैरह, इनका ये कल्चर यहाँ आम है, ये वाला कल्चर जो है ना फुल, जिसकी लॉटरी निकल आई नहीं दुना सी, ये एक बहुत बड़ा जुआ होता है कैसीनो वाला, और बहुत ज़्यादा स्पेन में डिफरेंट जगह पर बने हुए हैं कैसीनो बार्स। यहाँ पोर्ट भी साथ है इसके, क्योंकि समुंदर जो है और वो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स भी खड़े हैं, शिप्स जो हैं लोडर जो होती हैं ना, जो अपना ऑयल लेकर आती हैं, या जितनी भी शिपमेंट है जो समुंदर या वाटर समुंदर के ज़रिए जो आती है, तो वो खड़ी हैं इस पे। ये इन्होंने प्यारा सा एक ब्रिज बनाया हुआ चलने के लिए, पाथ बनाया हुआ दूसरी साइड पर जाने के लिए, नीचे जो है रास्ता है ना वो इस बार का जाने के लिए, इस होटल का, तो इसके ऊपर उन्होंने प्यारा सा ब्रिज बना दिया हुआ ये वाला, जहाँ बंदे आसानी से फैसिलिटेट हो सकते हैं, चल सकते हैं, दूसरी साइड पर जा सकते हैं। इससे दूसरी साइड पर भी मॉल्स हैं, वहाँ भी शिप्स बनी हुई हैं, वहाँ से आप शिप ले सकते हैं रेंट पर, वहाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ चल के आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ का सीन। अब हम चलते हैं वापस विला को एंड करते हैं, मेट्रो से बैठते हैं यहाँ और अपने स्टेशन को चलते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट पे भी व्लॉग बनाऊंगा, मेट्रो का और दूसरा ट्रेन का भी, बाकी भी आएंगे व्लॉग के।